शायद वो लोग कभी मिल ही नहीं पाते, एक दूसरे को मौका भी नहीं दे पाते। तेजस्वी को अगर करण पसंद नहीं आता तो उसे जनरली बात भी नहीं करती। आई फील कि अगर कि शक्ल देख अपनी, वो उसी पे सूट नहीं कर रहा है ये बात बोलते हुए करण पे। Now just wanted to know regarding the Big Boss thing. आपने पोस्ट किया है तेजस्वी के सपोर्ट में, पहले तो उसके बारे में जानना चाहूंगी। काफी तरह के उसके बाद रिपोर्ट्स मिलने लगे फैंस के, उसी तरह से रिएक्ट भी करने लगे। व्हाट्स योर टेक, किस तरह से अभी गेम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, तेजस्वी ने बहुत अच्छी गेम खेली है, बाकी ऑल भी कॉन्टेस्टेंट अच्छा खेल रहे हैं। सो अच्छा है, लोग वापस से, बीच में थोड़ा सा ऑफ हो गया था बिग बॉस, वापस से अब चर्चा में आने लगा, कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं, जो बेसिकली बिग बॉस का मेन फोटे है। सो इट्स गुड फॉर तेजस्वी। एंड मैं एज अ व्यूअर देखता हूँ जब भी शो को, तो मुझे मजा आता है, मतलब इट्स फन शो दिस। ये बिग बॉस 15 पिछली बार से हर बार से बिल्कुल ही अलग है, अलग ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मुझे अप टू डेट भी लगा, तो लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसे चीजों को, क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्टेस्टेंट हैं सारे अप टू डेट लगे मुझे ऑलमोस्ट। सो अच्छा लग रहा है देखने में बिग बॉस 15। आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, घर में जिस तरह से अभी चीजें चल रही हैं, कुछ लोगों को देखकर कभी कभी ऐसा फील होने लग जाता है कि चीजें वाकई में सच है या नहीं, क्योंकि अगर बात करें तेजस्वी की ही तो गेम की जब बात आती तो करण थोड़ा सा ट्रस्ट कम कर पाते हैं उनको और उनका एक अलग ही साइड देखने को मिल जाता है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी खेल रही है गेम को और जिस तरह से वो अपने पर्सनल और गेम को बैलेंस करना चाह रही है, आपको क्या लगता है अगर ये सारी चीजें होती या नहीं होती तो उनके गेम में कैसे फर्क पड़ता? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गेम नहीं होती ना तो शायद वो लोग कभी मिल ही नहीं पाते, एक दूसरे को मौका भी नहीं दे पाते। तेजस्वी और करण के बीच में जो थोड़ी नजदीकियां आई भी, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ शो, अदर शो कभी जान भी नहीं लगता, कभी मौके थे जानने का। और रही बात तेजस्वी ने कि गेम को और अपनी जो लव लाइफ को भी वो साथ में मैनेज करे, सी तेजस्वी को अगर करण पसंद नहीं आता तो उसे जनरली बात भी नहीं करती, उसको कहीं पे स्कोप दिखा कि लड़का अच्छा है, और स्कोप है भी उन दोनों के बीच में अभी भी, इट्स जस्ट दैट कि दोनों के बीच में इतना स्ट्रेस हो गया है, गेम का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस, जब रियल लाइफ में भी है हर जगह पे, ऊपर से सारे कॉन्टेस्टेंट जो आस पास है वो भी चाहते हैं कि कभी कोई किसी को भड़काता है, कभी कुछ भड़काता है, वहां पे क्या होता है किसी को समझ नहीं आता। सो तेजस्वी ने जिस तरीके से दोनों चीजों को मैनेज करी, इट्स गोइंग गुड। करण ने आज जो मैंने कुछ देखा उसमें एक प्रोमो कटा है जिसमें करण ने बोला कि चेहरा देख अपना, सो आई डोंट नो कि उसने तेजस्वी को ही बोला है या फिर किसको बोला है, क्योंकि प्रोमोज में कुछ होता है, रियल में कुछ होता है, ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया है वहां पे। सो आई फील कि अगर कि शक्ल देख अपनी, वो उसी पे सूट नहीं कर रहा है ये बात बोलते हुए करण पे। सो और अबाउट तेजस्वी, तेजस्वी इज प्लेइंग वेरी वेल और फॉर मी शी इज विनर ऑलरेडी। ओके, जिस तरह से घर में चैलेंजेस गए थे, नमिश आपको नहीं लगा कभी घर में इस तरह से भी जाना चाहिए या एज अ कंटेस्टेंट भी जाना चाहिए घर के अंदर, आपको कभी ऐसा फील ही हुआ? नहीं मतलब मैं आई एम नॉट रेडी, लाइक मैं बिग बॉस के लिए आई एम नॉट रेडी एंड आई फील कि अभी मुझे थोड़ा सा अपने एक्टिंग करियर पे ही ध्यान देना चाहिए। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस एंड आई बिलीव इन दैट कि मैं थोड़े से पॉपुलैरिटी के लिए मैं नहीं जाना चाहता उसमें, अगर मैं कभी गया भी तो इट्स जस्ट दैट कि मैं ऑलरेडी इतना पॉपुलर हूँ तब जाऊँ तो मजा आएगा। सो कभी कभी लगा, एक दो बारी लगा कि हाँ यार चल चलते हैं, इट विल बी अ फन, देन आई रियलाइज नहीं अभी नॉट नाउ, आई नीड मोर टाइम फॉर दैट। तो आए हैं, 3-4 इंटरव्यूज भी हुए हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे पास फिटेड टू एक्टिंग तो मैंने बिग बॉस की जगह उसको चूज किया। Apart from that, आपको घर में किसका गेम अब इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली चैलेंजेस आए थे उसके बाद ऐसा लग रहा है कि घर के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो जगे हुए, अब जगे हैं जाकर, तो आपको क्या लग रहा है धीरे धीरे ये जो टिकट टू फिनाले के लिए लोग जा रहे हैं इसमें अब कौन बेस्ट खेल रहा है और कौन अब नहीं खेल पा रहा है और उसे निकल जाना चाहिए?
मैंने अभी देखा नहीं है, सो मुझे लगता है कि मेरा कोई भी कमेंट होगा वो गलत होगा। मैंने ये वाले 3-4 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, एक हफ्ता पूरा नहीं देखा है, वाज बिजी इन समथिंग, सो आई डोंट नो फॉर नाउ। जो भी न्यू गेम जो स्टार्ट हुई वो मैंने फॉलो नहीं किया है।